तो यार क्या तुम भी मेरी एज की हो, मतलब थोड़े से भी बड़े होगे तो कोई बड़ी बात नहीं, और थोड़े से छोटे होगे तो भी कोई बात नहीं, बट बात यहाँ पे आती है, क्या तुम्हारी बियर्ड है एंड तुम हर हफ्ते जाके उसे सेट करवाते हो, उसे शेविंग वगैरह करवाते हो, बाहर जाके पैसे देके, तो भाई तुम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि डेली डेली तुम हफ्ते में 4 बारी जाते हो और चारों बारी 50-50 रुपये देके आते हो, महीने के 200 रुपये आराम से खर्च हो जाते हो, बट अगर तुम ऐसे साल का गिनो तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती होगी तुम्हारी, बट तुम ढंग से एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाते हो अपनी बियर्ड पे। बट मैंने एक्सपेरिमेंट की है एट होम, मतलब घर पे रह के अपनी बियर्ड को शेव किया है। कैसे किया है, तुम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो बेसिकली कुछ कॉमन रूल्स हैं जो कि तुम लोग को आराम से फॉलो कर लेने होंगे एंड उसके बाद तुम घर पे आराम से अपनी बियर्ड को शेव सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रह सकते हैं, जैसे लाइक जैसे मैंने किया लग रहा ना माचा मैन। सो यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं कि जैसे लाइक तुम देख पाओगे मेरी बियर्ड कैसी मतलब झाड़ जैसी होगी पड़े हैं बाल, तो मेरे को करने थे इसका थोड़ा थोड़ा छोटा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी एंड अच्छा भी नहीं लग रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा अनग्रूम्ड टाइप का हो गया था, मेरे बाल भी लोड़े लगे पड़े हैं, इसको भी मैं सेट करवाऊंगा, तो आई थिंक हो सके तो वीडियो बनवाऊंगा, मतलब बनाऊंगा ठीक है। तो बट मुझे क्या करना है, अपनी बियर्ड को सेट करनी है इस टाइम पे, प्रॉपरली सेट करनी है, तो मुझे क्या करना है, अपनी बियर्ड पे शेविंग वगैरह करने से पहले, ट्रिमर चलाने से पहले एलोवेरा लगाना होगा। एलोवेरा का काम क्या होता है, जैसे लाइक अगर तुम कई बार बिना एलोवेरा लगाए शेविंग करोगे तो इससे क्या होगा ना, तुम लोग यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सा होने लग जाएगा, यहाँ पे थोड़ी जो खाल है वो अलग से निकलने लग जाएगी, उसे हटाने के लिए मतलब अच्छे से रखने के लिए तुम लोग एलोवेरा लगा सकते हो, अपने यहाँ पे नेक पे लगा सकते हो, अपने चिक्स पे लगा सकते हो, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं चिक्स की वो ना आएंगी, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। तो इसके बाद एलोवेरा लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा रब करना होगा एंड रब करने के बाद तो कुछ लोग ट्रिमिंग करते हैं, बट मैं करूँगा शेविंग, मतलब पहले मैं शेविंग ब्लेड चलाऊंगा, क्योंकि यार शेविंग ब्लेड चलाऊंगा उसके बाद मुझे पता चल जाए कि मेरे को अपनी बियर्ड मतलब ऐसे ही अच्छी लग रही है, ट्रिम करने की जरूरत है, ठीक है। अगर कुछ लोग ट्रिमिंग भी करना चाहते हैं तो तुम लोग तो पहले ट्रिमिंग कर सकते हो, जो कि ज़्यादा सही रह सकते हैं। तो भाई बियर्ड को सेट करने के लिए सबसे मेन रूल है वो आ जाता है तुम लोग का नेक। अब भाई कुछ लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ना नेक को यूँ बराबर कर लेते हैं, यहाँ से नीचे के बाल निकाल देंगे, ऊपर के नहीं निकालते हैं, तो इससे क्या होता है ना, कभी भी तुम ऐसे सामने देख रहे रहते हो ना तुम लोग, ये जो अजीब है ना बाल, अजीब अजीब से दिखते होंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे नहीं रहते होंगे। तुम लोग क्या करना, थोड़ा सा ऊपर तक इस लेवल तक ना ब्लेड चलानी होगी, और ब्लेड चला के ना ये सारे बाल जो है उसको निकालने होंगे, जैसे कि जो तुम्हारी ज्वाइन है ना, वो अगर तुम कोई साइड से भी देख रहे हो तो शार्प ज्वाइन जो है तुम्हारी दिखने वाली है। एक्चुअली मैंने इतना भी निकाला था, बट मैं सोचा कि थोड़ा सा और ऊपर तक निकाल दूँ, बट नहीं यार, मुझे इतनी सही लग रही थी। एंड अब हम बातें करते हैं, तुम लोगों ने नेक का तो देख लिया, अब हम बात करते हैं अपने चिक्स के बाल को कैसे रिमूव करना है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा फंडा है, तुम लोगों को जिलेट गार्ड की एक्चुअली मैंने ब्लेड ली हुई, तुम और कोई लोगे तो भाई इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, अगर कट जाए तो जिलेट गार्ड की मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ, तो कटने की तो भाई बहुत ही कम गारंटी, मतलब कट ही नहीं सकता, मैंने तो इतने साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कटा ही नहीं मेरा मतलब बाल बियर्ड के हर के इंसानों। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अपनी चिक्स को कैसे सेट करना है। तुम लोगों को यहाँ से दोनों जो है ना ये साइड का लेवल में लेना होगा, नहीं तो एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा ना, तो खराब लगेगा। तुम लोग अपने अंदाजे से रख के दोनों को बराबर बराबर शेव कर सकते हो। अब जैसा कि तुम देख सकते हो ऊपर के जो बाल है ना, तुम लोगों ने ज़्यादा नीचे तक भी शेव नहीं कर लेना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वाइयर काफ़ी ज़्यादा खराब लगोगे। थोड़ा सा अपनी चिक्स के जो हेयर है ना उसको थोड़ा ऊपर तक ही रहने दो और उसको बराबर में सेट करो, लाइक हाँ थोड़ा सेट किया हुआ है, जो कि ज़्यादा सही लगने वाला है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तुम देख पाओगे, ऐसे तुम लोग कर लेना होगा, जो कि मतलब मेन पॉइंट तो यही रहता है। एंड अब हम बातें कर लेते हैं मुस्टैच के। भाई मुस्टैच भी सही करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे लिप्स पे कितने हेयर आ रहे हैं कितने हेयर नहीं आ रहे, और जितना आ रहे थे मैंने उसको क्या किया, कैंची से बराबर कर लिया और उसको अपने लिप्स पे से हटा दिया। तुम लोगों को भी ऐसे ही करना होगा जैसे मैं अभी कर रहा हूं। और उसके बाद मेन एक और चीज़ आती है, वो आती है तुम लोगों के नोज़ के हेयर। अगर भाई झाग करें ना अंदर से, तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा गंदे लगते हैं, मतलब वाही यार। तो तुम लोग क्या करना है, उसको ना कैंची लेके अंदर से अपनी जो जितने भी नोज़ के हेयर हैं उसको निकाल देने हैं। भाई मैं तो पूरे निकाल देता हूँ ढंग से, मतलब जितना हो सकता है, क्योंकि यार नहीं तो अगर कभी सांस वांस भी ले रहे हो ना तो गुदगुदी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि बार बार उंगली डालनी पड़ती है, तो यू नो काफ़ी ज़्यादा वाहियात लगता है। तो उससे अच्छा मैंने पूरे बाल ही इसको हटा दी, जो मतलब सही है मेरे हिसाब से, और मुझे सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड अब हम बातें कर लेते हैं ट्रिमिंग की। लास्ट जो चीज़ है वो आते हैं ट्रिमिंग, क्या आते हैं ट्रिमिंग। हाँ, उसके लिए तुम लोग क्या करना, एक्चुअली मैंने क्या किया था ना, यहाँ पे मारा है साइड साइड में 5 नंबर और बीच में मारा है 7 नंबर, क्योंकि अगर आगे की जो बियर्ड है ना वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है ना, तो ज्वाइन काफ़ी ज़्यादा मस्त खिड़की निखर के आती है, एंड फेस का जो लुक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कैड़ा लगता है। और मैक्सिमम बंदों पर ये जो बियर्ड स्टाइल है ये सूट भी करता है, तो आई थिंक तुम पे भी सूट करता हो, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। तो मतलब अलग अलग आई थिंक मशीन का अलग अलग नंबर होता है, बट मैंने जो मारा है इसका था 5 नंबर, तो मैंने साइड साइड में दोनों ओर से 5 नंबर मार लिया, एंड ज़्यादा मैं ऊपर हेयर पर नहीं गया, मैंने अपनी जो खत है ना उस तक ले गया, उसके बाद मैंने छोड़ दी।
थी। और उसके बाद मतलब यहाँ पे तो पांच नंबर मारना है ना तुम लोगों को, तो यहाँ पे अपने जो नीचे है ना यहाँ पे तुम यहाँ पे पांच नंबर मार सकते हो। जो फ्रंट का एरिया ये तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सात नंबर मार सकते हो, जिससे क्या होगा ये छोटी छोटी ये थोड़ी बड़ी दिखेगी ना, तो तुम लोग का फेस काफी ज्यादा मैच्योरिटी वाला बंदा दिखने वाला है जो काफी ज्यादा सही जा सकता है। सो बेसिकली इतना सब करने के बाद मेरी जो बियर्ड है वो होती है प्रॉपरली सेट। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्रब करता हूँ अपने फेस पे। जब भी मैं शेविंग करता हूँ स्क्रब तो नेसेसरी है, मतलब कॉमनली है स्क्रब कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो इसका स्क्रब कर लेना मेरे को, और तुम कोई भी ब्रांड का स्क्रब ले सकते हो। मैंने लिया था मुस्टैच का, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। एंड अब हम बातें कर रहे थे, स्क्रब भी मैंने कर लिया, अपने फेस को वॉश भी कर लिया। स्क्रब करने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे फायदे होते हैं, जो तुम्हारे फेस में से डॉट पोल्यूशन वगैरह है वो हट जाता है, डेड स्किन सेल्स निकल जाती हैं, तुम लोग का फेस जो थोड़ा थोड़ा ग्लोइंग होने लग जाता है। एंड अब हम बातें कर लेते हैं एक और चीज़ की, वो तुम लोग क्या है, आफ्टर लोशन लगाओ यार अपने नेक पे। अब अपने नेक में आफ्टर लोशन अगर तुम लोगों ने नहीं लगाया तो तुम लोग देखोगे ना यहाँ पे जो तुम लोग की नेक है ना उसमें दाने वाने होने लग जाएंगे। बट अगर तुम चाहते हो दाने ना हो तो तुम उसके लिए आफ्टर लोशन लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है भाई। मैं तो लगाता हूँ, क्योंकि यार पहले दाने हो रहे थे, बट जब से मैंने आफ्टर लोशन लगाना इस्तेमाल किया है भाई, दाने या दाने के मतलब नहीं होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद मैं होता हूँ प्रॉपरली रेडी सेटिंग को सेट करने के लिए। तो अगर तुम भी रेडी हो जाते तो भाई मतलब मस्त होने वाला है। एंड इसके बाद तुम लोग कभी भी जाने की जरूरत नहीं किसी भी दुकान पे, तुम सारे पैसे अपने घर पे बचा सकते हो। 200 के किट, 200 अगर तुम देने जा रहे हो महीने में भी, फिर 200 तुम एक बार अपनी किट खरीद के लिया, और उसके बाद तुम जब मन चाहे तुम तब शेविंग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। कई बार ऐसा होता है जाते हो लाइन में लगते हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बट ऐसे अगर तुम करते हो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता है मेरे भाई। जो तो बस मुझे इस वीडियो में इतने बताना था। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ। तो देख लेते ना ही, बाय बाय।